इस क्लास में पहला चैप्टर पढ़ेंगे अपन, हमारा पहला चैप्टर है द एम्परर्स न्यू क्लोथ्स। तो ये चैप्टर जो है वो एक बादशाह के बारे में है जिसको कपड़े पहनने का बहुत, नए नए कपड़े पहनने का ट्राई करने का बहुत शौक होता है और वो तकरीबन अपने सारे पैसे जो है वो अपने नए कपड़ों पर ज़ाया कर देता है। तो इसी तरीके से बहुत सालों पुरानी बात है कि जो है ना वो कि बादशाह को बहुत शौक होता है अपने कपड़े जो है ना वो चेंज करने का, नए नए कपड़े और नए नए तरीके के कपड़े पहनने का। तो उसकी जो महल होता है वहाँ पर बहुत सारे कारीगर और बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े मशहूर लोग और जो है ना हुनरमंद लोग उसके जो है वो आते हैं महल। तो एक दफ़ा ऐसा होता है कि जो है ना वो दो बंदे होते हैं जो उसके महल में आते हैं और ये कहते हैं कि वो दुनिया का सबसे अच्छा कपड़ा और सबसे मशहूर कपड़ा और सबसे अच्छा कपड़ा जो है वो सीते हैं और बनाते हैं। तो बादशाह बहुत खुश हो जाता है और बादशाह उनसे पूछता है कि जो है वो कपड़े के बारे में मुझे और बताओ। तो वो भी बताते हैं कि जो है वो कपड़ा एक तो है बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत कपड़ा और दुनिया में जैसा कपड़ा कोई नहीं बनाता, और उसमें एक और खासियत ये है कि वो कपड़ा सिर्फ उसी को दिखता है जो काबिल होता है, बेवकूफ लोगों को कपड़ा नजर नहीं आता। तो बादशाह को ये चीज़ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगती है। तो जो है वो बोलता है कि मुझे ये कपड़ा जो है, फिर पहले मेरे को ये सोचता है कि अगर मैं ये कपड़ा बनवाऊँ तो मुझे ना ही अच्छा, मतलब मैं अच्छा तो दिखूंगा इन कपड़ों में, लेकिन एक और चीज़ ये होगी कि मुझे चीज़ पता चल जाएगा तो मेरे जो काउंसलर्स हैं, मेरे जो आस पास लोग हैं, मेरे जो सलाहकार हैं, वो सब उनकी अपनी जो पोस्ट है वो उसके लिए सही है, उसके लिए अक्लमंद है ना, वो या बेवकूफ़ लोग। तो इस वजह से वो दोनों लोग कहता है कि तुम जाओ और जो है वो ये कपड़ा बनाओ, लेकिन असल में वो दोनों लोग चीटर होते हैं, वो दोनों असली में ऐसा कुछ नहीं होता, वो सब बादशाह को बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। तो बादशाह उनको जो है ना वो उससे मांग करते हैं, वो दोनों लोग बादशाह से कहते हैं कि आप हमें पैसे दें ताकि हम जो है वो फाइनेस्ट कपड़ा जो अच्छा कपड़ा है वो ला सकें और हम गोल्ड की उस पर कढ़ाई करेंगे तो वो हम गोल्ड ला सकें, वो सच लगे। तो बादशाह उनको एक बहुत ज़्यादा रकम जो है वो उनको देता है और उनको कहता है कि तुम जल्द से जल्द ये जो है वो ये सूट बनाओ और ये कपड़ा मुझे बना के तैयार, लिबास मुझे तैयार करके मुझे दो। तो वो उनको मशीनरी लेके देता है, सब चीज़ें लेके देता है, लूम लेके देता है जिसको जो है वो कपड़े जो फैब्रिक जिससे बनता है, कपड़ा जिससे बनता है वो मशीन होती है, तो वो भी उनको लेके देता है। उसके बाद वो दोनों उस मशीन पे बैठ के और बिना कोई कपड़े के, बिना कोई धागे के, ऐसी वो मशीन पे ऐसा प्रिटेंड करते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और वो कपड़ा सी रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से और जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर। उसके बाद जो है वो कुछ दिन गुजर जाते हैं, कुछ दिन गुजरने के बाद बादशाह को ये तड़प होती है कि मैं देखूँ कि उन्होंने कपड़ा बनाया है या नहीं बनाया। तो फिर जो है वो अपने जो दो जो सबसे पुराने जो उसके काउंसलर्स होते हैं, जो उसके सलाहकार होते हैं, जो उसके वफादार होते हैं, वो उनको भेजता है और वो ये सोचता है कि ये यही वो लोग हैं जो सामने वाले के काम को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं क्योंकि ये तो अकलमंद है, इनको वो कपड़ा दिखेगा। तो वो उनको भेज देता है, वो दोनों वहाँ जाते हैं और वो दोनों देखते हैं कि वो लूम के ऊपर, मतलब उस मशीन के ऊपर जिस पर फैब्रिक बनता है, वो उस पर बैठ के और बिना किसी कपड़े के, बिना किसी धागे, किसी के, बिना किसी चीज़ के, और वो बस ऐसी मशीन चलाता है, वो ऐसी मशीन चलाता है। तो वो ये देख के हैरान हो जाता है और वो ये सोचता है कि अल्लाह कि मैं जो है वो क्या इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे वो कपड़ा नज़र नहीं आ, तो उसको कपड़ा ही नज़र नहीं आ पाता है, लेकिन वो ये सोचता है कि अगर मैंने ये चीज़ बादशाह को बताई कि मुझे कपड़ा नहीं नज़र आ तो मैं तो अपनी नौकरी साथ जो बैठूंगा तो मुझे बादशाह मुझे निकाल देगा, तुम तो अपनी पोस्ट के लिए जो है फिट नहीं हो, तुम तो जो है वो बेवकूफ़ हो। उसके बाद जो है वो तो वो ये सोच के और जो है ना उसके बाद उनकी तरफ जाता है जो कारीगर होते हैं, उनके पास जाता है और वो दोनों से पूछते हैं, वो दोनों ऐसे हवा में जो है ना वो ऐसे हाथ उठा के और ऐसे दिखा के कपड़ा पूछते हैं कि आपको ये कपड़ा कैसे लगा, ये पैटर्न्स और ये सब चीज़ें आपको कैसी लगे। तो आप उसको तो कपड़ा दिख नहीं रहा होता है, लेकिन वो बेवकूफ़ भी नहीं दिखना चाहता, तो उस वजह से वो उनको देख के और ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि जैसे उसको कपड़ा दिख रहा हो, बोलते बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत आपने कपड़ा बनाया है और ये पैटर्न्स भी बहुत अच्छे हैं, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं। तो वो ये बोलते हैं कि आप जो है वो बादशाह को अच्छा लगेगा, तो बोलते हैं हाँ बादशाह को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद वो जाता है, वो पहले जो है वो मतलब उससे जो है ना सारे पैटर्न और जो है ना वो कपड़े के बारे में सारी मालूम लेके कारीगर से, उसके बाद उनके पास जाता है बादशाह को और बादशाह को सारी बात बता देता है, बादशाह खुश हो जाता है। उसके बाद कुछ दिन बाद बादशाह जो है वो दोबारा खुद उनके पास जाता है और अपने जो सारे जो उसके जो महल के लोग होते हैं वो उन सबको लेके बादशाह उनके पास जाता है और उनके पास जाने के बाद वो ये कहता है कि अब मुझे दिखाओ कि जो है कि वो तुमने कहाँ तक काम कर लिया। तो वो आते हैं दोनों कारीगर और वो दोनों कारीगर आके जो है कपड़ा उठा के ऐसे हाथ में हवा में ऐसे हाथ दिखाकर वो
बोल देंगे देखिए बादशाह सलामत की जो है वो ये कपड़ा है आपको कैसा लगा। अब वो ये चीज़ देखता और वो ये बोलता है कि जो है वो ऐसे सोचता है कि जो है मैं भी बेवकूफ हूँ क्या, मुझे कपड़ा नहीं दिखा, क्या मैं बेवकूफ, क्या मैं राजा बनने के लायक नहीं, लेकिन जो है ना अब उसको भी दिखाना नहीं होता कि मैं बेवकूफ हूँ। तो वो भी बोलता है कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा हूँ, बाकी जो उसके पीछे खड़े हुए लोग होते हैं सबको ये कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन सबके पिटे निकलते हैं कि जो है उनको सब दिख रहा है क्योंकि कोई बेवकूफ नहीं लगना चाहता, इसलिए सब देखते हैं और सब ये बोलते हैं कि बहुत खूबसूरत बनाया और ऐसा कपड़ा तो हमने आज तक देखा नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा तारीफें करते हैं। उसके बाद जो है वो फिर बादशाह सलामत के पास जो है वो उनका एक वफादार आता है, वो ये कहता है कि जो है वो हमारे यहाँ जो प्रोसेशन, उनकी एक प्रोसेशन होती है जिसमें मतलब लोग सारे इकट्ठा होते हैं और जो है वो राजाजाद चल के जो है वो अपने को नए कपड़े उन्होंने बनाए होते हैं वो दिखाए जाते हैं। तो वो बोलता है क्यों ना प्रोसेशन के अंदर जो है वो इस कपड़े को लेके जाया जाए। तो बादशाह बोलते हैं कि सही है, बाकी लोग मतलब बादशाह सोचते हैं कि बाकी लोगों को तो दिख रहा है ना कपड़ा, तो बस सही है, अगर मुझे नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, मैं पहन के प्रोसेशन में चले जाऊँ ताकि मेरे कपड़ों की तारीफ लोग देखें और उसको उनको पता चले कि मैंने कितने खूबसूरत कपड़े सिले। तो कुछ दिन बाद प्रोसेशन होती है, वो जो है ना वो प्रोसेशन में चले जाते हैं, सारे क्राउड में जो है ना वो ये बात फैल जाती है कि भाई बादशाह ने नए कपड़े बनवाए और उसकी ये खसूसियात है, वो बहुत ज़्यादा फाइनेस्ट कपड़ा जिन लोगों से बनवाया दुनिया में सबसे अच्छा कपड़ा बनाते हैं। तो वो सब चले जाते हैं, अब सब चले जाते हैं तो वहाँ पे कुछ दो चीटर्स होते हैं, जो दो गाड़ी का चीटर आए हुए होते हैं, वो दोनों प्रोसेशन वाली जगह पर जो मेन स्टार्ट होता है वहाँ खड़े होते हैं और जो है बादशाह वहाँ पे जाने के बाद अपने और बादशाह ऐसे जो है वो हवा में हाथ लेके खड़े होते हैं जैसे उन्होंने बादशाह का कोट और उसका ट्राउजर और उसका जो है वो चादर है वो सब पकड़ा। तो बादशाह के पास जाता है, बादशाह के पास जाता है, उसके बाद जो है वो उनको बोलते हैं कि योर मैजेस्टी आप जो है वो अपने पुराने कपड़े उतारें, वही अपने पुराने कपड़े उतारता है और वो ऐसे ही हवा में उसको ये दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे वो उसको कपड़े पहना रहे, वो कपड़े पहनाते हैं उसको। उसके बाद उसको लगता है कि सब ऐसे देखे सब ये प्रिटेंड कर रहे होते हैं, जो हवा में खड़ी होती है वो भी यही प्रिटेंड कर रही होती है कि उनको जैसे बहुत अच्छा दिख रहा है, उनको बहुत जो है वो कपड़ा बहुत प्यारा है और बहुत खूबसूरत आ रहा है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। उसके बाद वो प्रोसेशन शुरू करता है, प्रोसेशन शुरू करता है, वो जा रहा होता है, सब जो है वो हवाई चल रही होती है और सब जो है वो हल्ला गुल्ला चल रहा होता है कि वो क्या कपड़ा सिला है और बहुत प्यारा कपड़ा है ये वो। तो जो है वो आगे जाते हैं, आगे जाने के बाद जब प्रोसेशन खत्म होने वाली थी उससे थोड़ी देर पहले एक छोटा बच्चा खड़ा होता है। अब वो बच्चा वो देखता है बादशाह को और वो ये जोर जोर से बोलना शुरू कर देता है, हंस हंस के, देखो बादशाह ने कुछ पहना हुआ ही नहीं है, बादशाह बिना कपड़ों के जो है वो घूम रहे हैं। अब वो ये सुन के जो उसके जो फादर होते हैं उसके बराबर में उनका दोस्त खड़ा होता है, जो उनके फादर का जो दोस्त होता है वो कहते हैं कि उस बच्चे को देखो और उसको जिसको छुपा रहा है उसको कुछ नहीं पता है, फिर लेकिन अंदर अंदर उनको भी पता होता है कि जब इस ये बच्चा जो बोल रहा है ये बच्चा तो गलत नहीं हो सकता ना, ये बच्चा तो झूठा नहीं हो सकता ना, ये तो मतलब बच्चा भी प्रूफ तो नहीं हो सकता, तो बच्चा सच बोल रहा है और बाकी सबको भी पता है कि उनको भी कुछ नहीं दिख रहा है। उसके बाद वो ये जो आवाज़ होती है जो बच्चे ने जोर से बोला होता है ये सब में कहता है और सब जोर जोर से बोलना शुरू हो जाते हैं कि सब बादशाह हंसना शुरू हो जाता है कि जो है वो बादशाह ने कुछ नहीं पहना, बादशाह ने कुछ नहीं पहना और जो है वो ये सब चीज़ें और उसका मजाक बन जाता है, लेकिन बादशाह ये सोचता है कि मैं ये प्रोसेशन खत्म कर पाया। तो वो प्रोसेशन खत्म करता है और वो प्रोसेशन खत्म करने के बाद अपने महल की तरफ जाता है तो उसको एक चीज़ एहसास हो जाती है कि मुझे भी नहीं दिख रहा और बाकी किसी को भी नहीं दिख रहा, ये हमें बेवकूफ़ बना दिया गया। और जब तक उनको एहसास होता तब तक वो जो दो चीटर जो कारीगर होते हैं वो वाला वो जो है वो उसके महल से बादशाह ने सारे जो कपड़े जो पैसे होते हैं और जो जो हीरे जवाहरात दिए होते हैं वो सब लेके चले जाते हैं, वो सब लेके भाग जाते हैं। तो मोरल क्या है स्टोरी का, स्टोरी का मोरल अगर आप जो उसकी जो मैसेज दिया गया वो ये है कि कभी भी जो है वो अपने आप को सच बोलने से नहीं कतराए, अगर आप मतलब ये सोचिए कभी कितना बोलेंगे लोग क्या सोचेंगे और हमें बेवकूफ़ समझेंगे कि हमने उसके बाद बोल दिया और बाकी तो कोई ये बोल ही नहीं रहा, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कल को जाके जब मुझे सच तो बाहर आने अगर सच फिर बाद में जाके जब बाहर आता है तो उसके बाद आप ऑलरेडी बेवकूफ़ ही कहलाओ। इसलिए जो आपको सही दिख रहा है वो हमेशा ये कभी भी कोशिश कीजिए झूठ मत बोलो, ये दिखाने की कोशिश ना करो कि आप झूठ बोल के कि आप पकड़ लो क्या, और ये ना सोचो कि लोग बेवकूफ़ समझेंगे आपको, तो हमेशा झूठ ना बोले सच बोलो।